हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेल्डिंग के बारे में स्टडी करेंगे। वेल्डिंग क्या होता है, आखिर क्या होता है जिसके वजह से दो मेटल आप पीस जो है आपस में खुद वो ज्वाइंट हो जाते हैं। वेल्डिंग के बारे में चलिए देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेल्डिंग बोलते किसे हैं और इसका क्या मतलब होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका डिफिनेशन जो है वो ये है कि वेल्डिंग इज ए फैब्रिकेशन प्रोसेस वेयर वाई टू और मोर पार्ट्स आर फ्यूज टुगेदर बाय मीन्स ऑफ हीट, प्रेशर और बोथ। इसका मतलब ये है कि वेल्डिंग जो है एक फैब्रिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो जो टू मेटल पीसेज होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, एक साथ फ्यूज्ड होते हैं। वो उसका कारण क्या होता है, वो फ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उसे हम हीट करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो मेल्टिंग पॉइंट जिस पॉइंट पे वो पिघलता है, जिस पॉइंट पे वो मेटल पिघल जाता है, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर उससे उसे हीट करते हैं। ये तो पहला कारण है। और दूसरा कारण है दो मेटल को आपस में जोड़ने के लिए उसे प्रेशर के थ्रू एकदम प्रेशराइज किया जाता है। दो मेटल को एक दूसरे के बीच में इतना प्रेशर देते हैं कि वो आपस में जुड़ते हैं। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं वेल्डिंग के, क्या क्या कैसे ये जुड़ते हैं, प्रोसेस क्या है। एक आपने हीट देख लिया, इसमें उसको हम हीट करके ज्वाइंट कर सकते हैं, थ्रू प्रेशर ज्वाइंट कर सकते हैं, और एक फ्रिक्शन के थ्रू भी होता है, आपस में दोनों को फ्रिक्शन अप्लाई करके भी हम दो मेटल को जोड़ सकते हैं। तो आइए देखिए, और ये हीट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मिंग ए जॉइंट द प्लेट्स, और उसके बाद उसको कूल करते हैं, उसको कूल करने के लिए देते हैं ताकि वो अच्छे से जॉइंट हो सके। जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि दो मेटल पीस में ही वेल्डिंग अप्लाई किया जाता है, बट मैं आपको बता दूं कि वेल्डिंग जो है वो वुडन में भी पॉसिबल है। वुडन, यस आप सही सुन रहे हैं, लकड़ी, जो वुडन पीस होते हैं, जो लकड़ी होती हैं, उसमें भी वेल्डिंग प्रोसेस होता है। यह देखिए, आप यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि वेल्डिंग इज़ यूज्ड ऑन मेटल्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स बट कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन वुड, यस वुड में भी पॉसिबल है। इस पे वीडियोस हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आप देख सकेंगे। इसके लिए हमारे चैनल पे आप जुड़े रहें, और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। तो जनरली वेल्डिंग जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो ये देखिए यहाँ पे मैं दो पीस बना एक मेटल पीस बना रहा हूँ, ये समझिए एक मेटेलिक पीस है, ये दो मेटेलिक पीस है जिसे हमें आपस में वेल्ड करना है। अब ये दो मेटेलिक पीस है जिसे आपस में हमें वेल्ड करना है, ये वन ये टू, दो मेटेलिक पीस है। इसे अगर आपस में हमें वेल्ड करना है तो हम क्या करेंगे, वेल्डिंग दो तरह हो सकता है, या तो इसको हम एक दूसरे की तरफ प्रेशर देंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, ओके, या थ्रू हीट अप्लाई करेंगे। हीट में डिफरेंट होता है, हीट में हम आर्क वेल्डिंग होते हैं, गैस वेल्डिंग होते हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग हीट पे अगर देखें, प्रेशर होता है, अब फ्रिक्शन, थर्ड क्या है, फ्रिक्शन के थ्रू भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो अगर हम आर्क थ्रू लें इलेक्ट्रिकल के थ्रू, तो इसमें क्या है, थ्रू फीलर से इसमें हम क्या वेल्ड अप्लाई करते हैं, ये वेल्डिंग अप्लाई करेंगे, ये आप देख सकते हैं इसमें ये जो है इस तरीके से, इसको पूरे अच्छे से वेल्डिंग करने के बाद इसको हम थोड़ा अलाउ करते हैं इसको कूल होने के लिए, जिससे कि हमारा वेल्डिंग जो है अच्छा से स्ट्रॉन्ग हो सके। और अगर हम बात करें इसमें कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो उसमें जो हम जो टेम्परेचर जनरली होता है वो 1425 से लेकर के 1540 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम हीट करते हैं, तब जाके ये हमारा कास्ट आयरन क्या होता है, वेल्ड होता है। और वहीं अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें, तो स्टेनलेस स्टील जो वेल्डिंग पॉइंट, जो वेल्डिंग टेम्परेचर होता है, उसको
हम 1375 डिग्री सेल्सियस टू 1530 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, ये है। और वहीं अगर एलुमिनियम की बात करें तो एलुमिनियम जो है वो 660 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वेल्डिंग ईजिली हो जाता है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर हमारा 1084 डिग्री सेल्सियस पे वेल्डिंग हो जाता है। तो ये था हमारा आज का वेल्डिंग के ऊपर टॉपिक पे एक लेसन आप लोग के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोग का ये जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है। तो आप इसी तरीके से हमारे वीडियो पे बने रहें और आपके लिए हम इसी तरह के नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, सक्सेस के लिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। सो कीप लर्निंग। थैंक यू, टेक केयर।